हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इसके अंदर क्या करना है कि एक कैलकुलेटर बनाना है विद कैरेक्टर। अब तक जो हम कैलकुलेटर्स बना रहे थे वो एक नंबर चॉइस करना पड़ता था। इस बार मुझे नंबर ना चॉइस करके मुझे इसके अंदर ऑपरेटर चॉइस करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको प्लस करना है तो आप प्लस प्रेस करेंगे, माइनस प्रेस करना है तो माइनस प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे। ओके, तो हम उसको अब कोड को राइट करना शुरू करते हैं। देखिएगा, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या, इसके अंदर हमें दो डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर हमें पहली वीडियो में जो डिस्कस किया था हमने, देखिएगा ये डिस्कस किया था मैंने, तो इसी प्रोग्राम बनाया था हमने। ओके, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मल्टीपल डेटाबेस कैसे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पहले यहाँ पे इसको cal c.c. अब मैं इसके अंदर इस कोड को राइट करना शुरू करता हूँ। lstudio.h मेन फंक्शन बॉडी, मैंने इनके अंदर यहाँ पे x एंड y लिया और इसके बाद मैंने r ले लिया। फिर इसके अंदर मैंने कैर ले लिया, कैर के अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा ओपी, यानी कि ऑपरेटर है, यानी कि मैं नेचर वही दिया जिस नेचर का मैं कोड जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे एंटर एनी ऑपरेटर, आपको क्या चॉइस करना है, आपको यानी कि एंटर एनी ऑपरेटर आपको यानी कि कैलकुलेटर के लिए करना है। तो स्कैनफ लगाएंगे, आपको पता है इसके लिए अगर हम सिंगल कोई भी करेक्टर प्रेस करें तो पर्सन से आएगा M%, यहाँ पे आएगा आपका ओपी। ओके, फिर मैंने क्या करा प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे इसके अंदर एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर वे टू नंबर आप चॉइस करेंगे, एंटर एनी टू नंबर। तो फिर स्कैनफ लगाया यहाँ पे मैंने पर्सन डी M%X M%Y। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इफ यहाँ पे हमने क्या लगाया इसके अंदर यहाँ पे, इफ यदि ओपी बराबर है किसके, प्लस के। तो देखिएगा ये प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू तो इसको मुझे इंडिकेशंस करेगा, यानी कि इंडिकेट करना है सिंगल कोट से, यानी कि अगर आपने ओपी के अंदर कोई ऑपरेटर डाला अगर वो प्लस के इक्वल हुआ तो वो क्या करेगा, प्लस के इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है प्लस कर देगा। तो यहाँ पे मैंने बॉडी लगाया, बॉडी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई, जो एक्स की और वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा प्रिंट अप कर दिया, यहाँ पे क्या लगाया पर्सन डी कोड कॉमा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका आर। फिर एल्स इफ यहाँ पे मैंने क्या करा ओपी आपका बराबर हो किसके, माइनस के इक्वल होगा, तो वही बॉडी आर इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया एक्स माइनस वाई। ओके, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया पर्सन डी और यहाँ पे आर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल सी यहाँ पे ओ पी बराबर हो किसके आपके एस्ट्रिक, तो यहाँ पे बॉडी आर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पे आर को प्रिंट पर्सन डी कॉट यहाँ पे आपका आर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एल सी ओपी इक्वल टू किसके इक्वल हो, ये आपका डिवाइड के इक्वल बॉडी, तो आर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई और प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पर्सन डी और यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपका आर। फिर एल्स इफ ओपी बराबर हो किसके आपका मॉड्यूल रिमाइंडर, इसके बाद R इक्वल्स टू क्या कर दे X रिमाइंडर Y, यहाँ पे इसके बाद मैं अब इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ऑफ पर्सन डी और यहाँ पे हो जाएगा आपका R प्रिंट। ओके, अगर मालूम मैं कहना हूँ इसके अलावा अगर कुछ हो, इफ यदि else इसके अलावा अगर मैं कुछ प्रेस करता हूँ तो उसे प्रिंट ऑफ के अंदर दिखाना चाहिए रॉन्ग ऑपरेटर। ओके, अब हम इस कोड को इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं फिर इसको रन करते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूं पहले कंट्रोल एस, इसको रन करने के लिए आपको पता है मुझे सीएमडी में जाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं cd/cd/c/code, कोड के नाम से फोल्डर है। ओके, मेरे कोड का नाम क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैल सी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा gcc यहाँ पे टाइप करेंगे cal c.c। तो कोड अभी क्या हो रहा है मेरा कंपाइल हो रहा है, इसमें चेक करेगा ये एरर है नहीं है। अगर आपका कोड सक्सेसफुली है तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा या मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है।
हमने यहाँ पे क्या करा, इसको रन करने के लिए ए प्रेस करेंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि एंटर एनी ऑपरेटर। तो एंटर एनी ऑपरेटर, अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर देना, मान लो मुझे क्या करना है, दो नंबर को प्लस करना है। जैसे मैंने प्लस प्रेस करा, तो देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन चली, एंटर द ऑपरेटर, और यहाँ पे मैंने जैसे ऑपरेटर डाल दिया प्लस, तो प्लस इसमें स्कैन होके ओपी में चला गया। जैसे प्लस ओपी के चला जाएगा तो फिर दूसरी लाइन हमारे साथ इसलिए कि एंटर एनी टू नंबर, देखिएगा चलिए एंटर एनी टू नंबर, टू नंबर भी किस में जाएंगे, एक वैल्यू एक्स में जाएगी, एक वैल्यू वाई में। मान लो मैंने यहाँ पे 10 प्रेस कर दिया, फिर मैंने 5 प्रेस कर दिया, 10 और 5 प्रेस करने के बाद में फिर ये जस्ट चेक करेगा, यहाँ पे चेक है ओपी, ओपी की वैल्यू इसके इक्वल है प्लस, या क्योंकि ओपी के अंदर आपने क्या डाला प्लस, इसके इक्वल है, तो क्या करेगा आर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, वाई की वैल्यू कितनी है 5 में डाल देगा यहाँ पे, ये नहीं देखेगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको रन कर देगा। चेक कीजिएगा, ये दिखा दिया इसने यहाँ पे 15। ओके, तो इस तरह से मैं कोड के इसके अंदर यहाँ पे कैलकुलेटर बना सकता हूँ। और अगर हम प्रेस करते हैं, मान लो मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर डाल दिया यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 50 आंसर आ चुका है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया डिवाइड, और यहाँ पे मैं नंबर डालता हूँ 25, 38, तो ये कह रहा है कि रॉन्ग ऑपरेटर, सॉरी इसे रॉन्ग ऑपरेटर देना चाहिए, डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा हो गया। दोबारा से रन करते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ पैरेंथेसिस और नंबर डालें, तो दिखा देगा इज रॉन्ग ऑपरेटर। तो ये कोड इस तरह से हमने रन किया है। ओके, अब नेक्स्ट कोड में देखिएगा हम इसके अंदर कुछ और डिस्कस करेंगे, मेन्यू चॉइस का ही कोड होगा हमारा, थोड़ा सा उसमें और कुछ हम थोड़ा इसमें लेवल बढ़ाते हैं इसके अंदर आज। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसमें मेन्यू चॉइस में मान लो सपोज करो इसके अंदर क्या डिस्कस करना है, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ कोड को, ऑप्शन चॉइस यहाँ पे दे देता हूँ मैं ऑप्शन डॉट सी। ओके, जैसे मैंने इसके अंदर एक कोड रन किया है, वर्ड मैन बॉडी इंटीजर के अंदर मान लो मैंने सपोज करो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इसी के अंदर मुझे इवन ऑड भी चेक करना है ऑप्शंस के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक एन वेरिएबल ले लेता हूँ, मुझे लीप ईयर चेक करना है तो मैं वाई ले लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक करना है तो मैं पी ले लेता हूँ। ओके, तो तीन चॉइस का ऑप्शन बनाते हैं। ओके, और एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस जिसमें हमें वे चॉइस करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंटअप लगा देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे प्रिंटअप सॉरी वन प्रेस टू फाइंड आउट इवन और ओड नंबर। ओके, स्लेशन, इसके बाद फिर प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे टू प्रेस टू फाइंड आउट लीप और नॉट लीप ईयर। ओके, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया थ्री प्रेस टू फाइंड आउट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। इसमें लगा देता हूँ। ओके, और इसके बाद फिर यहाँ प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट चेक करता हूँ प्रेस टू फाइंड आउट ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रू और फॉल्स। ओके, सिलेक्शन, इसके बाद मैं प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे फाइंड करता हूँ प्रेस टू फाइंड आउट वैलिड एज चेक फॉर वोटिंग। ओके, सिलेक्शन। अब मैं इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ प्लीज एनी चॉइस फ्रॉम अबव
टू फाइंड आउट, ओके, यानी कि ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कोई भी एक चॉइस करनी है और वो आपको कहाँ डालना है, इस स्कैनऑफ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने परसेंट डी लगाया और यहाँ पे एम परसेंट उसको डाल दिया मैंने चॉइस वेरिएबल में, ओके। फिर मैंने यहाँ पे चेक करा, इफ यदि आपका चॉइस वेरिएबल बराबर है वन के, तो उसे क्या चेक करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए वन और, तो जाहिर सी बात है वो नंबर इनपुट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने क्या करा, एंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे आपने नंबर इनपुट किया, जैसे ही नंबर आप इनपुट करेंगे तो आपको चेक भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, स्कैन ऑफ पर्सन डी कोट एम परसेंट, और यहाँ पे आप क्या करेंगे उसको डाल देंगे आप एन वेरिएबल के अंदर। फिर आप यहाँ इफ लगा के उसको एन को चेक करेंगे, एन रिमाइंडर टू इक्वल्स टू जीरो, आपको पता है ये कोड तो आपको पहले भी रन किया आपने, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा वो इवन नंबर, वरना एल्स के अंदर यहाँ पे इसी के अंदर मैंने ओड नंबर एड कर दिया, ओके ओड नंबर, ओके। फिर इसके बाद मैंने इस इफ को बंद किया, फिर यहाँ पे एल्स इफ यदि मेरा एन बराबर है किसके, टू के, सॉरी चॉइस, चॉइस बराबर है टू के, तो उसे चेक करना चाहिए प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर एनी ईयर, उसे लीप ईयर नॉट लीप ईयर को चेक करें एंटर एनी ईयर, तो यहाँ पे स्कैन ऑफ पर्सन डी एम परसेंट, यहाँ पे आप इसको वाई में डालेंगे, ओके। फिर यहाँ पे इसको चेक करेंगे, यदि वाई का रिमाइंडर फोर इक्वल्स टू जीरो, तो वो इसे चेक करना चाहिए प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या एज ए लीप ईयर, ओके आ रहेगा, वरना एल्स के अंदर वो क्या दिखा दे, वो नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ओके। फिर मैंने इसको भी बंद किया इस ब्लॉक को, एल्स इफ अब वो यहाँ पे चॉइस को चेक करे किसके इक्वल, थ्री के इक्वल, थ्री के इक्वल आपको क्या निकालना चाहिए, उसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो नंबर एंटर करना पड़ेगा, एंटर एनी नंबर, यहाँ पे आप यहाँ पे वो नंबर इनपुट कर देंगे, ओके। यहाँ पे स्कैन ऑफ लगाएंगे, यहाँ पे पर्सन डी कोट एम परसेंट, वहां पे आप कहाँ डाल देंगे इसको नंबर को, पी के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, इफ यदि पी ग्रेटर किससे है, जीरो से है, तो प्रिंट ऑफ के अंदर उसे क्या अच्छा करना चाहिए, इज ए पॉजिटिव नंबर, अगर आपका बड़ा नंबर है पॉजिटिव नंबर, ओके। यदि वो छोटा है तो वो दिखा दे क्या आपको नेगेटिव नंबर, ओके नेगेटिव नंबर, ओके। इसके बाद वो यहाँ पे फिर चेक करें, else if यहाँ पे चॉइस बराबर है किसके, आपका फोर के इक्वल है, तो उसे क्या चेक करना चाहिए, फोर के इक्वल चेक करना चाहिए ट्रायंगल और ट्रू, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको, एंटर द थ्री साइड ऑफ एंगल, एंटर द थ्री साइड ऑफ एंगल, ओके एन जी एल ई। तो अब यहाँ पे हमें तीन साइड इनपुट करनी पड़ेगी, परसेंटी परसेंटी परसेंटी, तीन साइड होती है ट्रंगल की, एम परसेंट ए, एम परसेंट बी और एम परसेंट सी। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे इफ लगाएंगे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितने के इक्वल हो, वन एच के इक्वल हो, वन जाहिर सी बात है जो ट्रंगल होता है थ्री एंगल्स इज सम इक्वल्स टू वन एच, तो यहाँ पे क्या दिखा है इसके अंदर, तो ट्रंगल इज ट्रू, ट्रंगल इज ट्रू, ओके okay? वरना एल्स में वो दिखाए ट्रायंगल इज नॉट ट्रू, ट्रायंगल इज नॉट ट्रू, या ट्रायंगल इज फॉल्स, कुछ ही देख लिख सकता है, ओके। नेक्स्ट ब्लॉक में हमें क्या चेक करना है, चॉइस चेक करें कितने के इक्वल, फाइव के इक्वल, उसे चेक करना चाहिए वैलिड और इनवैलिड एज। तो अब इसके अंदर प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एंटर द एज, तो यहाँ पे स्कैन ऑफ लगाएंगे आप, स्कैन ऑफ यहाँ पे पर्सन डी कॉट एम परसेंट, यहाँ पे वो एज वेरिएबल में। फिर हमने कहा कि यदि एज ग्रेटर है या इक्वल्स टू 18, तो जाहिर सी बात है वोट जब इसको डाल सकते हैं एम्प्लॉई, यानी कि कोई भी जो नागरिक होता है जब एज डालता है तो उसकी एज 18 होती है, और मैंने कह दिया कि अगर उसकी एज 18 के इक्वल है, 18 से ज्यादा है, तो वैलिड एज फॉर वोटिंग, ओके फॉर वोटिंग, वरना वो दिखा दे एल्स के अंदर इनवैलिड, इनवैलिड एज, इनवैलिड एज फॉर वोटिंग, ओके। वरना एल्स में वहां पे लास्ट में दिखा दे, वो इसके अंदर लास्ट में दिखा दे रॉन्ग इनपुट, क्योंकि हमारे ऑप्शन ही कितने हैं, फाइव है,
फाइव ऑप्शन। अब हम इस कोड को रन करते हैं, देखिएगा इस कोड को रन कैसे करते हैं वो भी आपको पता है। आप डॉस ओपन कीजिए, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, तो सबसे पहले जीजीसी, इसका नाम क्या है ऑप्शन डॉट सी। इसमें बहुत सारे एरर मिले हैं, देखिएगा पहले एरर हम पढ़ते हैं क्या, देखिएगा एरर को कैसे चेक करते हैं। Not each undeclared identifier is the reportedly only once the face function set appears in the option। यानी कि 41 लाइन में, एक तो इस वाली लाइन में और एक इस वाली लाइन में, a is an undeclared variable, यानी कि first in the use in the functions, a नहीं declare है इसमें, ना यहाँ पे b declare है और ना यहाँ पे c declare है। देखिएगा जो हमने यहाँ पे function, देखिएगा यहाँ पे a, क्या a variable है इसमें, नहीं, a b c, तो हम इसके अंदर अलग से variable declare करते हैं, इसके अंदर a और b और एक c। चलो हमने ये अभी इसको compile करते हैं दोबारा से। अब क्या मिसिंग है, अब इसके अंदर यहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे चॉइस में कुछ गड़बड़ है, ये कह रहा है कि चॉइस वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड इन द फंक्शंस, यहाँ पे भी चॉइस वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, ओ डबल ओ लग रहा है सभी में, तो यहाँ पे मैं डबल ओ ले लेता हूँ, तब की चॉइस वहां पे है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया। ओके तो ये आपको एरर आनी चाहिए। और दूसरा इफ इज द, ये क्या कह रहा है, इन द एक्सपेक्टेड द सेमी कोलन, कहीं पे आपका सेमी कोलन मिसिंग हो गया है, चेक करते हैं कहाँ मिसिंग हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ। ओके कहाँ गड़बड़ हो गया, चेक करेंगे ध्यान से, वो कर्ली ब्रेसेस का भी गड़बड़ है कुछ लग रहा है, खाली एंड्स के लिए 25, यानी कि 59 लाइन में एरर है, ये रहा एक सेमी कोलन, ये देखिएगा। ओके चलो अब अगला एरर चेक करते हैं, अगला एरर क्या है, वो एज वेरिएबल में स्कैनफ या अनडिक्लेयर, यानी कि एज वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो एज वेरिएबल को भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा के एज को डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके ओके आपको एरर नहीं है, अब इसको का आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे मैंने इसको चलाया तो इसने क्या रीड किया, सबसे पहले यहाँ पे इसने चेक किया कि यदि आप प्रेस करते हैं तो फाइंड आउट करेंगे वन ऑड, यदि टू प्रेस करते हो फाइंड आउट करेंगे लीप और नॉट लीप, ये थर्ड प्रेस करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, फोर प्रेस करते हैं तो आप ट्रायंगल और फॉल्स, और चेक करते हैं आप ये, मान लो मुझे इसके अंदर चेक करना प्रेस टू फाइंड आउट इवन ऑड, तो आपको क्या प्रेस करना है वन, तो ये क्या भी रहा है, प्लीज एनी चॉइस फ्रॉम अबाउट टू फाइंड आउट, यानी कि आपको यहाँ पे से कोई एक चॉइस करना है इनमें से सेलेक्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे वन प्रेस कर दिया, तो देखिए क्या चेक कर रहा है कि एंटर एनी नंबर, जैसे मैंने वन प्रेस किया तो जाहिर सी बात है क्या बताएगा आपको, ये जो आप नंबर इनपुट करेंगे उसको चेक करके बताएगा कि ये नंबर इवन है या ओड है, मैंने यहाँ पे 25 डाला तो कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर है, दोबारा से रन करते हैं। अब हमने इसके अंदर एक एक कोड को चेक करेंगे, देखिएगा इसके बाद मैंने मान लो टू प्रेस कर दिया, टू नंबर जो मैंने एंटर किया वो चॉइस में जा चुका है, फिर उसने यहाँ पे चॉइस में चेक कराया कि टू इक्वल्स टू वन के इक्वल नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस इफ के लिए कौन सा एल्स चलेगा, ये वाला एल्स चलेगा। अब यहाँ पे जैसे आया इसने यहाँ पे चेक कर, चॉइस टू के इक्वल है टू, ठीक है अंदर वो एंट्री कर जाएगा, वो के अंदर है, क्या पूछ रहा है एंटर एन ईयर, आप जैसे मैंने 2012 डाल दिया, जैसे आपने ईयर एंटर करा तो फिर वो वाई की वैल्यू चेक करे, क्योंकि ये वाई में के अंदर जाएगा, यदि वो रिमाइंडर जीरो के बता है लीप ईयर, ओके बिल्कुल सही है, फिर अगला रन करते हैं। फिर इसके बाद मैंने थर्ड प्रेस करा, थर्ड प्रेस करने से क्या चेक करेगा वो, प्रेस टू फाइंड आउट द पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे मैं थ्री प्रेस करता हूँ तो चॉइस की वैल्यू थ्री होती है, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि थ्री के इक्वल नहीं, देखे यहाँ मैच हो रही थ्री के इक्वल है, ठीक है अंदर एंट्री हो जाएगी उसकी, अंदर एंट्री एंटर एनी नंबर, मैंने मान लो मान लो यहाँ पे डाल दिया 25 क्या है उसने 20, ये क्या चेक कर रहा है थर्ड नंबर पे, तो प्रेस फाइंड आउट द पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर इज द ग्रेटर इज द इक्वल्स टू जीरो, एट जीरो लेस देन इक्वल्स टू ऑलवेज इज द नेगेटिव नंबर, तो देखिएगा ये पॉजिटिव नंबर है। ओके नेक्स्ट रन करते हैं, इसके बाद मैंने फोर प्रेस करा, ट्रायंगल वैल्यू चेक करेगा, देखिएगा एंटर द थ्री साइड 60 60, ओके एवरी एंगल इन द वैल्यू 60 डिग्रीज, ओके तो हर तीनों तीनों एंगल का वैल्यू मैंने 60 60 और तीनों को ऐड कर दीजिए 180 के इक्वल हो रहा है, चेक करें, देखो एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं उसको चेक करते हैं, देखिएगा 180 के इक्वल है या ये 180 के इक्वल है, 180 के इक्वल है तो वो चेक करेगा ट्रायंगल इज ट्रू। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे एज चेक करेगा आपका, यहाँ पे मैंने एज चेक मान लो डाल दिया 19, तो 19 क्या कह रहा है वैलिड फॉर वोटिंग। ओके तो आज हमने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इफ एल्स लेटर के अंदर में इफ एल्स को भी कैसे यूज कर सकते हैं, आप इफ एल्स लेटर के अंदर इफ एल्स लेटर यूज कर सकते हैं, तो आप इसको वीडियो को आप बार बार देखें, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आपको ये अच्छे से आएगा। ओके
आपका मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, जिसका मेरा वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, प्लीज आप बेल आइकन पर जरूर ऑन कर देगा, जिससे कि आपको मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।